नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग इस पे आपके लिए ऑनलाइन क्लासे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अभी जैसे हिरण जी के की क्लास डाली थी, तो आज से हम हिरण जी के क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है हरियाणा में लोक नृत्य, जिसमें छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है काफ़ी बार पेपर में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपने लिए है। तो इसको अपन टाइम इसमें अपना कम लगेगा और एक नंबर अपना पक्का हो सकता है इसमें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि लोक नृत्य हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मालूम नहीं होता कि लोक नृत्य होता क्या है। देखो, लोक नृत्य 1900 या 1900 ईस्वी से पहले के क्या हैं, वो नृत्य हैं जिनको पेटेंट नहीं करवाया गया है। क्या भाई? जिनको पेटेंट नहीं करवाया गया है, ठीक है। दूसरी इनकी विशेषता होती है कि ये पारंपरिक होते हैं। क्या होते हैं? पारंपरिक होते हैं। इनको किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या है भाई, विकसित नहीं किया गया। तीसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो नृत्य होते हैं, इन नृत्यों की खासियत ये भी होती है कि आम तौर पर इनका क्या है कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनमें इनके अलग अलग नृत्य होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग इनके क्या होते हैं? नृत्य होते हैं, ठीक है भाई। तो चलो मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ। जैसे प्रमुख रूप से नृत्य, जैसे एक धमाल नृत्य है। धमाल नृत्य क्या है भाई? हरियाणा का सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रमुख भी है। क्या भाई? हरियाणा का सबसे प्राचीन और प्रमुख भी है। एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नृत्य करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं हरियाणा के नृत्यों के ऊपर चलूंगा। इनकी थोड़ी सी एक जो विशेषताएं हैं इन नृत्यों की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, धमाल नृत्य होता है मुख्य रूप से पुरुष का नृत्य है। क्या है भाई? मुख्य रूप से ये पुरुष का नृत्य होता है, ठीक है। इसके बाद मंजीरा, मंजीरा पुरुष व महिला दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? पुरुष और महिला दोनों ही इस मंजीरा नृत्य को कर सकते हैं। देखिए, मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के। सांग नृत्य, शुरुआत इसकी 1730 से हुई थी। इसमें वीररस की प्रधानता होती है। सांग नृत्य उनको बोलते हैं जिनमें क्या होते हैं, कुछ कलाकार शामिल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कलाकार शामिल होते हैं। ये सिंगल कलाकार का काम नहीं होता है, ठीक है। फिर है लूर नृत्य। लूर नृत्य है बांगर प्रदेश में किया जाता है, और ये लगभग महिलाओं के द्वारा, या फिर यूं कह सकते हैं कि लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य को पुरुषों को देखने की क्या होती है भाई, मनाही होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर तीज नृत्य की बात करूं, आहा बड़ा अच्छा है तीज नृत्य। तीज नृत्य की अगर बात करते हैं, तो इस तीज नृत्य के ऊपर क्या होता है कि महिलाएं नए वस्त्र धारण कर, मतलब जो भी उनका पारंपरिक वेशभूषा जो होती है, सज धज के क्या होती है इस नृत्य को वो करती है, तीज नृत्य, ठीक है। फिर इसके बाद होता है डफ नृत्य। 1969 में पहली बार डफ नृत्य को क्या किया गया था, गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया था। खोड़िया नृत्य, शादी समारोह में बारात के जाने के बाद शादी समारोह में, जिसको हम आम भाषा में, हमारे अगर बात की बात करें कि महेंद्रगढ़ लगा लो आप, भिवानी लगा लो, या राजस्थान का कुछ क्षेत्र लगा लो अपने से लगता हुआ, वहां पर इस नृत्य को क्या बोला जाता है भाई, डुंडलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डुंडलिया। क्योंकि जैसे ही लड़के की बारात जाती है, गांव से प्रस्थान करती है, उसके बाद ये यूं भी कह सकते हैं कि ननद और भाभी के बीच क्या है भाई, हंसी मजाक का क्या है, ये एक नृत्य होता है। फिर अगर बात करते हैं रास नृत्य, देखो रास नृत्य दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? रास नृत्य दो प्रकार के होते हैं। रास नृत्य वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होता है। क्या भाई? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होता है। और ये भी ध्यान रखना कि ये तांडव जो नृत्य होता है वो पुरुष प्रधान होता है, इसमें लास्य है जो महिला प्रधान नृत्य होता है। क्या होता है? महिला प्रधान। जैसे रास नृत्य, भगवान शिव कौन सा रास नृत्य करते थे, तो कौन सा? तांडव रास नृत्य। अरे भगवान शिव जब नाचते थे तो तांडव नहीं मचाते थे क्या? तो वो यही है, वो रास नृत्य करते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो हम लेट स्टार्ट करें आगे। ये देखिए, राज्य में लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य जो है हमारा हरियाणा का, जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन सा है भाई? धमाल है। कौन सा है? धमाल है, ठीक है। और सबसे प्राचीन भी कौन सा है? धमाल है। ये सारी चीजें मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखी है भाई, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा 20 मिनट के अप्रोक्स का क्या बनेगा भाई, ये अपना एक टॉपिक बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख भक्ति नृत्य, क्या भाई? प्रमुख भक्ति नृत्य, भक्ति नृत्य है अपना चौपाया। चौपाया, चो का मतलब होता है चार। क्या होता है भाई? चार। जैसे चौराहा मतलब चार राहें, चौपाया मतलब चार पाया, इस तरीके से। ये तो चौपाया है, चार पंक्तियों पर क्या है भाई, ये आधारित है। यूं भी कह सकते हैं चार लाइनों पर गाया जाने वाला, क्योंकि गाया जाने का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे नृत्य होते हैं गाते भी वही हैं और नृत्य भी गाने वाले ही करते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा भाई, चार लाइनों पर गाया जाने वाला क्या है, ये एक नृत्य है किया जाने वाला। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है चौपाया जो नृत्य है, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हरियाणा में कहाँ है भाई? होडल में। होडल में कौन सा गाँव है? बचारी गाँव। और होडल कहाँ पड़ता है? पलवल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? पलवल में पड़ता है। नेक्स्ट, जैसे शादी के अवसर पर आयोजित नृत्य, तो शादी के अवसर पर कौन सा? घोड़ी नृत्य भी किया जाता है और खोड़िया नृत्य भी। देखो घोड़ी नृत्य क्या होता है, घोड़ी नृत्य होता है कि शादी के ऊपर पुरुष क्या होते हैं, एक मुखौटा बनाकर घोड़े का, और उसको पहनकर क्या है भाई, ये नृत्य करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसको घोड़ी नृत्य बोले। खोड़िया नृत्य जो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि ये महिलाओं के द्वारा, क्या भाई? वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा, जो दूल्हा होता है
बारात जाने के बाद दूल्हे पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ये नृत्य करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जिसको हम डुंडलिया बता रहे थे, ठीक है। शिशु के जन्म पर आयोजित नृत्य, तो ये कौन सा नृत्य होता है भाई, छठी, जो 6 दिन का हो जाता है शिशु, उसका अवसर पर क्या भाई छठी का प्रोग्राम किया जाता है, तो इसमें भी क्या किया जाता है भाई, उसको हम छठी नृत्य बोलते हैं, उसमें कुछ जो नाच गाना होता है उसी को बोलते हैं छठी नृत्य। राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य मैंने बताया था, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है भाई, धमाल है। नृत्य कला हरियाणा में किसके शासनकाल में चरम पर थी, तो किसके शासनकाल में थी भाई, पुष्यभूति के शासनकाल में, सबसे ज्यादा चरम पर पुष्यभूति के शासनकाल में थी, ये ध्यान रखना। अगर पूछ ले नृत्य कला उन्नत अवस्था में कब थी, कौन से काल में उन्नत अवस्था में थी, तो वैदिक काल और बौद्ध काल में क्या थी भाई, वो उन्नत अवस्था में, क्या थी भाई, उन्नत अवस्था में। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, धमाल लोक नृत्य की विशेषता बताता हूं मैं आप लोगों को, मैंने कहा था ना कि सबसे पुराना भी है और सबसे प्रमुख भी है हरियाणा का, तो ये सबसे प्राचीन में प्रमुख नृत्य है। पहली बात तो इसका वर्णन हमें महाभारत में, अगर महाभारत में वर्णन मिलता है तो आप आइडिया लगा लो कि ये क्या होगा भाई, प्राचीन नृत्य ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि महाभारत में इसका क्या है, वर्णन मिल रहा है अपने को। फिर ये वीरता व ओजस्वता से परिपूर्ण नृत्य है, क्या है भाई, वीर और ओजस्वता से परिपूर्ण नृत्य है धमाल नृत्य। सर्वाधिक गुरुग्राम में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सर्वाधिक गुरुग्राम में ये नृत्य देखने को मिलता है। और अगर गुरुग्राम के अलावा भी देखें तो महेंद्रगढ़ व झज्जर, क्या भाई, महेंद्रगढ़ व झज्जर में भी ये नृत्य देखने को मिलता है। इसके बाद देखो ये नृत्य चांदनी रात में और खुले में किया जाता है, क्या भाई, ये नृत्य चांदनी रात और खुले में किया जाता है, ठीक है। बुजुर्ग की मृत्यु होने पर खुशी की जगह गम में आयोजित नृत्य कौन सा है, तो ये कौन सा नृत्य है भाई, खेड़ा नृत्य, क्या भाई, खेड़ा नृत्य। जब कोई भी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अरे जो ये काज की जो व्यवस्था है जो आमतौर पर चली आ रही है कि कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो फिर 12वें दिन क्या किया जाता है, एक खाने पीने का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, तो कुछ महिलाएं जो आती हैं, अरे मारवाड़ी भाषा में न्यू मान लो, जो मुंह कान आवे ना, मुंह कान बलुगाई पताई जो भी आवे, तो वह पिकअप में भर भर के आवे, टाटा में भर भर के आवे, बेडी पीटती आवे, तो वो जो नृत्य हो ना, वो नृत्य कौन सा होता है भाई, वो खेड़ा नृत्य होता है, ठीक है। मतलब जो महिलाओं के द्वारा, अरे वह खील फेंकती आया करें, ठीक है, और वह न्यू झुंझुनियां बजाती हैं, वो नृत्य है खेड़ा नृत्य, ठीक है। डफ व ढोल नृत्य राज्य के नृत्य माने जाते हैं, ठीक है, डफ और ढोल भी, और मैंने बताया भी था डफ व ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस में कब 1969 में शामिल किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट में देखो खोड़िया नृत्य, क्या भाई, खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य देखो इसकी विशेषता है, ननद व भाभी के बीच हंसी मजाक का नृत्य, क्योंकि ये नृत्य देखने पर पुरुषों की क्या होती है भाई, मनाही होती है, क्योंकि जब आपके परिवार में कोई शादी होती है तो क्या होता है कि जब जो लड़का होता है उसके साथ बारात में, तो पूरा परिवार, गांव के जो जो प्रमुख सदस्य जिनको इनवाइट किया हो जाता है, वो बारात में चले जाते हैं, पीछे बसते हैं क्या भाई, परिवार की महिलाएं, क्या परिवार की महिलाएं, फिर वो रात को क्या करती हैं, डुंडलिया करती हैं, अपने जो हमारी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो उसको डुंडलिया बोला जाता है, हर जगह हो सकता है उसका कुछ थोड़ा सा विशेष नाम भी हो सकता है, लेकिन वैसे अगर नाम देखो तो उसको हम खोड़िया बोलते हैं। उसमें महिलाएं आपस में क्या करती हैं, हंसी मजाक, जो भी ATCTC आप कभी भी अगर देखने का मौका मिल जाए तो आप लोग देख सकते हो भाई, बाकी ये देखने पे क्या होती है, मनाई होती है नृत्य, ठीक है, पुरुषों के द्वारा नहीं देखा जाता। यह शादी में दूल्हे की बारात जाने के बाद पीछे से दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य क्या है भाई, शिव पार्वती से संबंधित नृत्य है, ये ध्यान रखना। बीन बांसुरी नृत्य किस क्षेत्र में, बड़ा इंपॉर्टेंट है बीन बांसुरी नृत्य, तो बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है भाई, किस क्षेत्र में, बांगड़ प्रदेश में ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखो, छोटा सा टॉपिक है और मैं इसको आप बड़ा जल्दी जल्दी कवर करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ थोड़े से और भी है इंपॉर्टेंट, जैसे लूर नृत्य है, क्या भाई, लूर नृत्य, तो बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, होली से कुछ दिन पहले, क्या भाई, होली से कुछ दिन पहले यह नृत्य किया जाता है। देखो यह फाल्गुन महीने में किया जाता है, सर्वाधिक हरियाणा में कहां किया जाता है भाई, जींद में, जींद की अगर बात करें हरियाणा में, तो लूर नृत्य सर्वाधिक विशेषता वहां देखने को मिलती है। इसको संवाद नृत्य भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, इनको संवाद नृत्य भी कहा जाता है। नृत्य में, नृत्य के साथ साथ प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नृत्य में ही साथ साथ उत्तर भी दिए जाते हैं, और इसीलिए इस नृत्य को प्रत्युत्तर नृत्य भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, प्रत्युत्तर नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता ये भी है, जो गाने वाली महिलाएं हैं वो गाने के साथ साथ इसमें क्या करती रहती है भाई, नृत्य भी करती रहती है, ठीक है, गाने के साथ साथ नृत्य के लिए भी क्या करती है, वो उसमें शामिल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। भाद्र मास में जो, अरे मारवाड़ी भाषा में अपने जो भादवा क्या होता है, भादवा,
तो भाद्रपद मास में गोगा नवमी पर आयोजित नृत्य कौन से हैं? गोगा नृत्य और छड़ी नृत्य। तो यूं मान के चलो, एक शब्द होता है निशान। निशान किसको बोलते हैं भाई? जो छड़ी होती है ना, गोगा छड़ी, उसको क्या बोला जाता है? निशान। एक लंबा सा क्या होता है? छड़ होता है, ठीक है, छड़ी होती है, और उस पर रंगीन क्या होते हैं? कपड़े लपेटे जाते हैं, ऊपर उसके क्या है भाई, मोर के पंख बांधे जाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर उसमें घंटियां भी एक दो लटका देते हैं, और उसके जब वो आगे आगे चलता है, कुछ लोग पीछे क्या है भाई, एक समूह उसके पीछे चलता है, और वो गाते बजाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, उन नृत्यों को ही क्या कहते हैं भाई? गोगा नृत्य और छड़ी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अप्रोक्स नेक्स्ट नहीं है, ये अप्रोक्स अपना लास्ट स्लाइड थी, नहीं सॉरी एक स्लाइड और है, ठीक है। अब देखो मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या भाई? मेवात के प्रसिद्ध लोक नृत्य, देखो मेवात के प्रसिद्ध में एक तो रतवाई लोक नृत्य, क्या भाई? रतवाई लोक नृत्य। ये वर्षा ऋतु के अवसर पर पुरुष व महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, क्या भाई? पुरुष व महिला दोनों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। दूसरा मंजीरा लोक नृत्य, डफ व ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है मंजीरा नृत्य, ठीक है। इसके बाद देखो राज्य का वह नृत्य जो श्रृंगार व वीर रस प्रधान है, वो कौन सा है भाई? डफ व ढोल नृत्य, वीर रस प्रधान नृत्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। राज्य का वह नृत्य जो घूमर जैसा है, तो राज्य का वह नृत्य वो है भाई खोड़िया, कौन सा है भाई? खोड़िया। रास नृत्य के दो प्रकार, देखो रास नृत्य मैंने बताया था, रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है, तो ये नृत्य कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है तांडव प्रकार का, एक लाशा। तांडव है उसको पुरुष प्रधान नृत्य बोलते हैं, ठीक है, और लाशा यह स्त्री प्रधान नृत्य होता है, ठीक है। मैंने नीचे भी लिख भी दिया है, रास नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। और एक ये भी है, धमाल व घूमर को हरियाणा का क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई ये आप लोगों के क्या थे भाई, ये कंप्लीट करवा दिए मैंने आप लोगों को, जो हरियाणा के जो नृत्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो इन क्वेश्चनों के अंदर आपके सारे लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हरियाणा की छोटी सी जीके है, तो उनके छोटे छोटे टॉपिक बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ये नहीं है कि मैं बड़ा टॉपिक ले, क्योंकि लेंथी टॉपिक जो होंगे वो नेशनल जीके में आप लोगों के चल ही रहे, ठीक है भाई। धन्यवाद।